आज सारी घटनाएं देखकर भी हिंदू सुरा है, और इसी तरीके से कई जगहों से हिंदू घटता आया, और आज वो बांग्लादेश से भी भाग रहा है। बात ये कहां तक भागोगे और कहां तक भागोगे, आखिरी में क्या मिलेगा? समुद्र कूदना पड़ेगा। हिंदू जब तक ये नहीं समझेगा कि हमारे कारोबार, हमारे कार्य, हमारी सारी चीजों के अलावा भी एक समय हमें अपने संगठन पे देना है, क्योंकि संगठन में शक्ति है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है, कोई नया नहीं है। बंगाल में बहुत समय से हो रहा है, केरल में हुआ, कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, ईरान में हुआ, निरंतर हो रहा है। अरे वो छोड़िए, दिल्ली में मकान खाली है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में अपने धर्म के लिए कभी विचार नहीं किया। तुम ठाकुर जी की मोहिनी सूरत देखते रहे, कभी सुदर्शन चक्र पे ध्यान नहीं दिया। तुम भगवान राम के दिव्य दर्शन करते रहे, उनके धनुष बाण पे ध्यान नहीं दिया। तुम आदि शक्ति का पूजन करते रहे, उनके दिव्य शस्त्रों का ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हारे परमात्मा अवतरित होते हैं, जब वो शस्त्र के साथ आ रहे हैं, तुम निहत्ते क्या कर रहे हो? ये विचार नहीं दर्शन है। आज का जो कड़वा प्रश्न है, आज भी हिंदू सो रहा है। इतना ही कार्य अगर मुसलमानों के साथ अभी फिलिस्तीन में या दूसरी जगह हो रहा था, पूरी दुनिया के अंदर रैली और मार्च निकल रहे थे, क्योंकि उनके लिए उनका, उनके धर्म का कोई भी व्यक्ति है वो उनका भाई है। और यहां हालात ये हैं कि किसी के सर पे जू नहीं रेंग रही। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता इस समाज के लिए। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसको देखकर आप ये ना सोचें कि आपके साथ नहीं हो सकता। जैसे एक तैयारी वो वहां हो रही थी, वो तैयारी पूरी हो गई, ऐसी तैयारियां भारत में भी बहुत जगह हो रही है, बस वो मौका नहीं मिल पा रहा। कश्मीर में जिन हिंदुओं को भगाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ गलत कृत्य किए गए, उनकी जमीनें हड़पी गई, वो कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से आए हुए तालिबानी नहीं थे, वो उन्हीं के पड़ोसी थे जिनके साथ वो रोज रोटी बांट रहे थे। लेकिन ये वो लोग थे जिनका धर्म कहता है कि हमारे धर्म के अलावा चाहे हम रोज किसी के साथ बैठ रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, समय आएगा हम उसे काट देंगे। जिस इस्कॉन की आप बात कर रहे हैं, जो इस्कॉन जलाया गया, वहाँ सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर, वो इस्कॉन वो रहा है जिसने 71 के युद्ध के समय 2,00,000 लोगों को पर डे भोजन कराया था बांग्लादेश में, जब उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। और आप विचार कर रहे हो आपको छोड़ देंगे, आप ये सोच रहे हो, तो ये आपका मुगालता है महाराज। अब आप बताइए, आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? बेटा नौकरी कर ले, बढ़िया प्रॉपर्टी बना, जिंदगी उसी में, बाकी कुछ करना है, फालतू चीजों में मत पढ़। नहीं पढ़ेगा। बांग्लादेश के 1,30,00,000 लोग भी नहीं पढ़े इस चक्कर में, अपने व्यापार बिजनेस बड़े बड़े मॉल खोल के बैठे थे, आज सब छोड़ के भाग रहे। कहां गई वो दौलत? क्या कर लिया उस दौलत का, संपत्ति का? आप बताइए, अरबों की दौलत छोड़कर शेख हसीना को छोड़ना पड़ा वो देश, सिर्फ उदारवादी होने के वजह से। यह बहुत गहरा चिंतन करने का विषय है, जीवन में ध्यान रखिएगा। और आज भी हम अगर इस चीज के विचार में हैं, तो ये हमारी जिंदगी की सबसे सबसे बड़ी गलती होगी, अगर हम न समझे और न सुलझे तो। ध्यान रखिएगा, हमें इस चीज पे विचार करना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी, हमारा भाई बहन है, एक हिंदू के लिए आपको विचार करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे चलो वहां हो रहा है, हमें क्या लेना देना।
यही सोच हमें मार रही है, यही सोच हमें खत्म कर रही है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत आहत हूं, मेरा बस नहीं चल रहा। 1,30,00,000 लोग, 1,25,00,000 लोग, 100 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं और अपने 1,25,00,000 भाई बहनों की स्थिति देखिए, देखी नहीं जा रही। और दुनिया के हर क्षेत्र की ये स्थिति थी। पाकिस्तान में कितना समृद्ध हिंदू रहते थे, अफगानिस्तान में कितने समृद्ध हिंदू थे, कंधार आदि इत्यादि कितना बड़ा दर्शन था। लेकिन इस विचार ने कि अरे हमारा क्या कर लेगा, अरे क्या कर लेगा, कर लिया। तुम कहते थे हमारी हस्ती मिटती नहीं, हस्ती नहीं तुम्हारी बस्ती बस्ती मिट गई, किस मुगालते में जी रहे हो तुम। आज मैं जब मैं कथा कह रहा था तो मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि मैं कथा सुना रहा हूं, एक आध्यात्मिक दर्शन की बात है, लेकिन वास्तव में आज इस देश को इस चीज के लिए एड्रेस करने की जरूरत है कि हिंदुओं जागो, वरना तुम्हें भी पलायन करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पलायन के लिए भी जगह नहीं है, जाओगे कहां? तुम इतने इस स्थिति में जा चुके हो कि तुम्हारे आसपास जब लोग घेरा बना लेते हैं, तुम अपने घरों को बिकाऊ कह देते हो। तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। ये विचारणीय दर्शन है। और मैं सिर्फ इस चीज को लेकर चिंतित नहीं हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मैं इस चीज को लेकर चिंतित हूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि भारत की जो स्थिति है, दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे सेंसिटिव हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव। एक जगह से हम थोड़ा सा सॉफ्ट थे कि चलो यहां कोई दिक्कत नहीं है, वो था बांग्लादेश, वरना एक तरफ पाकिस्तान है, उधर से चीन है, इधर नेपाल है जो कि चीन का खुद पटलग्गू बन के बैठा है, इधर आ गया बांग्लादेश। 4,500 किलोमीटर की हमारी उनके साथ बॉर्डर लगता है। यू वॉन्ट अमेजिन कि ये 4,500 किलोमीटर के बॉर्डर को क्या कौन देख पाएगा, कितना कर पाएगा। सैकड़ों आतंकवादी जेलों से भाग गए वहां, और अब जो वहां लोग आने वाले हैं वो पूरी तरीके से कट्टर इस्लामिक कंट्री बनेगा। और वो कट्टर, उसका जितना ज्यादा कट्टर इस्लामिक होगा, अभी तक तो हमें कश्मीर और इधर के बॉर्डर देखने पड़ रहे थे राजस्थान के, अब हमें इधर के बॉर्डरों पर निगरानी बनानी पड़ेगी। आप विचार कीजिए। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान, बहुत लंबा नुकसान, मतलब बहुत ऐसे ही नहीं, भारत की फोर्सेज इस समय सारी अलर्ट पर है, तीनों सेनाएं अलर्ट पर है। क्यों है अलर्ट पर? मामला बहुत गंभीर है। और एक बात बताऊं, जो दिख रहा है ये नहीं है, मामला इससे कुछ कई गुना ज्यादा बहुत अलग होने वाला है। जो आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, कुछ नहीं है, इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसी मामला ये एकदम ये नहीं हुआ, इसके पीछे गहरी साजिश है, और ये साजिश भारत को घेरने की है। भारत की जो 2014 के बाद स्थिति बनी है पूरी दुनिया में, वो सहन नहीं हो रही पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, सहन नहीं हो रही। क्योंकि 2014 के पहले का जो भारत था वो सबके साथ अपनी गर्दन हिला रहा था, कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ 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 सेना नहीं लगानी, कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे जी, यहाँ ऐसा नहीं करना, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे जी। लेकिन 14 से एक शासक ऐसा आया, उसने कहा ऐसे कैसे नहीं करेंगे, हमारी जमीन है, हम तो करेंगे। तो लोगों को लगा ये जो कल तक हमारा गुलाम था, आज ये उठ कैसे गया, आज ये उठ कैसे गया। दो महीने पहले अमेरिका का एक व्यक्ति जाकर शेख हसीना से मिलता है कि कुछ वियतनाम की जगह जमीन और कुछ आप बांग्लादेश की हमें जमीन दे दीजिए, यहाँ हम एक देश बनाएंगे जिसमें ईसाई लोग रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या है ये? जैसे ही वो शेख हसीना वो जगह दे देती, अमेरिका को एक जगह मिल जाती यहाँ पर प्लेस करने के लिए, रुकने के लिए। और जहां वो गया आज तक वहां से लौटा नहीं है, आज तक नहीं लौटा वहां से। पाकिस्तान के अंदर जगह ली थी उसने अफगानिस्तान से लड़ने के लिए, आज तक वो जगह नहीं छोड़ी उसने, ऐसा ही नहीं है। सिर्फ इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हम, अगर आप ये सोच रहे हैं आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, भूल जाइए, दिमाग से निकाल लीजिए, इस समय आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और आपको अगर कोई एक चीज बचा सकती है तो आपका संगठन ही बचा सकता है।
ध्यान रखना, इस समय इस देश को बचाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो जो राष्ट्र के लिए सोच रहा है, जो अपने लिए सोचेगा, वो हमारा मित्र नहीं है, चाहे कोई हो। इसलिए हमें एक ऐसे नेता की जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है। और अब दो दिन से मैं एक चीज सोच रहा हूं, अभी तक तो ये था कि चलो इस बार जो गवर्नमेंट आई थोड़ा कम हुआ, सीटें इधर उधर हो गई, लेकिन अब बड़ा भय है कि ये इस बार गलत हो गया। इस बार पूर्ण बहुमत होना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन देश को लेना पड़ते हैं। आप और हमको कुछ नहीं लग रहा, जो लोग इस बात को, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको पसीने आ रहे होंगे, रात को नींद नहीं आ रही होगी प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों को, क्योंकि आप उस सेंसिटिविटी को नहीं समझ सकते। इस समय देश चारों तरफ से किस अलगाववाद से घिरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमें दूसरे बाहर के देशों से इतना भय नहीं है, हमारे देश के अंदर पल रहे गद्दारों से, स्लीपर सेल्स से हमें सबसे ज्यादा खतरा है, जो हमारे ही बीच में रहकर हमारे देश को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, तोड़ तोड़ देना चाहते हैं। जब ये नारा उठा कि अखंड राष्ट्र अखंड भारत हो, तो लोगों ने कहा नहीं, जो है उसको भी खंड खंड करेंगे, ऐसा भारत हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहने वाले लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। आप सोचिए भविष्य क्या है, आप विचार कीजिए। इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत मैं क्या कहूँ, विचार कर रहा हूँ कि आने वाला सीन कुछ ठीक नहीं दिखता। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो यथार्थ दिखाई दे रहा है उस यथार्थ को कह रहा हूँ। इसलिए हे मेरे भाई बहनों, संगठित हो, अपने अंदर जज्बा पैदा करो। ध्यान रखना, तुम्हारी धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा परिवार बिखर रहे हैं, वहां रो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता इन वहशियों, इन लोगों के आगे कुछ नहीं बचता। आप, मैं बांग्लादेश के युवाओं की बड़ी कद्र करता था, पूछिए क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश था जिसमें युवा बहुत तेजी से कार्य कर रहा था, और बांग्लादेश का जो आप लोग कहते हैं ना, ये टी शर्ट मैंने अमेरिका से मंगाई है, मेरी दीदी ब्रिटेन गई थी वहाँ से लेकर आई, ये हमने लंदन से ख़रीदा था, उसमें से 90% कपड़े बांग्लादेश से बनकर जाते हैं महाराज। उन्होंने इतनी तरक्की की इन 15 सालों में, लेकिन मुझे शर्म आती है देखकर कि जिसे मैं बहुत अच्छा समझता था, वो लोग, मतलब इस कौम की हालत देखकर मुझे दुख होता है कि 74 वर्षीय महिला प्रधानमंत्री के वस्त्रों को लेकर जिस निर्लज्जता से वो मार्च कर रहे हैं, इससे पता पड़ता है कि इस कौम के अंदर कितनी गंदगी और वैशीपन भरा हुआ है। इससे पता पड़ता है कि इस कौम के अंदर इनकी माताओं और बहनों की इज्जतें क्या हैं। इससे पता पड़ता है कि इनके संस्कार कैसे हैं। इससे गणित लोग पूरी दुनिया में, इससे गणित जाते इस दुनिया में नहीं हो सकती महाराज। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो सोचते हैं कि अरे हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ऐसा करें, मैं 10 बार कहूंगा, और अगर इतना ही है तो छोड़ दो ना ऐसी कौम को, छोड़ दो जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, छोड़ दो ऐसे धर्म को जो इतने गणित कार्य कर रही है। शर्म आती है देखते हुए कि ये लोग जो एक 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 मतलब दादी के एज की महिला के आप वस्त्रों को लेकर लहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए साहब। पूरा दुनिया देख रही है इन लोगों को, इन लोगों की औकात देख रही है कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं, ये युवा हैं। अरे ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोगों से धरती भी रोती होगी कि कैसे लोग धरती पे आ गए, राक्षस, धरती भी रोती होगी। सत्य कहूं, मैं बहुत आहत हूं सारे मंजर को देखकर। हम लोग यहां बैठे हैं, वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो उन बेचारे सोए नहीं है 2 दिनों से, 2 रातों से, वो भय के मारे कांप रहे हैं कि कब भीड़ आ जाएगी और कब क्या कर देंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने घरों को खुद जला रहे हैं ताकि भीड़ निकले तो कहे अच्छा ये जल गए, अब आगे बढ़ो। आप सोचो, होगा कोई ऐसा? अपने ही घर को जलाएगा? अपनी जान, अपनी बच्चियों की, अपनी महिलाओं की जिंदगी को बचाने के लिए वो लोग, उनकी स्थिति क्या है? और आपको एक बात और बता दूं, इन लोगों में ज्यादातर लोग वही हैं
वही हैं जिनकी पैरोकारी करने वाले लोग अपने आप को दलित का मसीहा कहते हैं। अब वो चंद्रशेखर का बयान नहीं आ रहा कि मेरे दलित भाई बहनों के साथ वहां क्या हो रहा है, नहीं आएगा। अब वो सारे नेताओं के बयान नहीं आएंगे, उस मंदबुद्धि का भी कोई बयान नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लोग वहां बेचारे मर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी हैं। यस, ये रिपोर्ट कह रही है। आप कहते हैं कि इस देश के अंदर उनके साथ गलत हो रहा है। अरे यहां तो यहां क्या हो रहा है, जहां हो रहा है वहां की आप बात नहीं कर रहे, ये विचारणीय दर्शन। ये बस मैं क्या कहूं, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस बार हिंदू नहीं चेता तो अगली बार तुम और तुम्हारा मोहल्ला है, दिमाग में रखिएगा, सत्य कहता हूं आपसे।